लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ओशन शर्मा एंड अभी तक पीएमपीएल की जो तैयारियां रही हैं, जो मैचेस रहे और जो मैचेस होने वाले हैं, हमें बताया सब चीजें बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। और उन सब चीज के अंदर एक ऐसी टीम आती है जो अपना परचम लहरा कर आई थी पाकिस्तान रीजन में और आगे भी अपने आप को डोमिनेट करता हुआ दिखाना चाहेगी। मैं बात कर रहा हूं R3D की एंड R3D के कुछ प्लेयर्स यहां पर हमारे पास रहेंगे जरूर। सो एक तरीके से उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या होने वाली हैं। सो गाइस, बिफोर वी जस्ट बिगिन विद एवरीथिंग, व्हाई डोंट यू गाइस जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। I am Anubis from R3D Esports. I'm the IGL and then Fragger for the team. I'm sure I am in the second and Fragger for the team. Hello, I'm R3D Ezio from R3D Esports and I play as a sport in the team. जी, तो आप लोगों ने नाम बताया, आप लोगों ने अपना ऑब्वियसली रोल बताया एंड रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अनुबिस आपके ऊपर आना चाहूँगा क्योंकि आप IGL हैं टीम के। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जर्नी कैसी रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस PMCO, क्योंकि वो टाइम में मैंने आप लोगों को देखा, मैंने कास्ट किया आपके गेम्स ये वाला PMCO और अभी PMPL के अंदर आप कदम रख चुके हैं। सो जर्नी कैसी रही है पूरी इन सब चीज़ों के अंदर? हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 PMCO में, जहाँ हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की थी। Obviously we learned from our mistakes and we ended up in the PMPL. ये चीज़ आपने सही बताया, ऑब्वियसली आप अपने मिस्टेक से सीख कर आए हैं। तो मैं अब क्वेश्चन डालना चाहूंगा इजियो पर। देखिए, आप एक टाइम पर 15th पोजीशन पर थे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था और जब टूर्नामेंट काइंड ऑफ PMCO एंडिंग पर आया तो आप 4th पोजीशन पर आ चुके थे। ये 15 से 4 तक का सफर कैसा था, इसको अगर आप एलैबोरेट कर सके? हमने PMCO का फाइनल स्टार्ट किया था तो सोचा इस तरह के था कि स्टार्ट से PMPL फाइनल्स में डोमिनेट करेंगे और टॉप 3 के लिए जाएंगे, क्योंकि टॉप 3 टीम्स नहीं PMPL खेलना था। सो हम लोगों के शुरू के मैचेस काफ़ी ख़राब गए थे जिसकी वजह से हम 15th पर आ चुके थे, पर उस टाइम 4 मैचेस हमारे पास रह गए थे और डू और डाई वाला काम था। तो उसके बाद फिर IGL की कॉल थी कि अगर PMPL के लिए क्वालिफाई करना है तो अपना बेस्ट देना होगा, फिर उसके बाद बेस्ट दिया और 4th पर आ गए। जी शॉ, मैं आपके ऊपर एक सवाल के लिए आना चाहूँगा, जैसे अभी मैंने बात भी करी, पिछला PMCO भी हुआ है, ये PMCO है, PMPL भी हो रहा है, आगे ग्लोबल चैंपियनशिप की अनाउंसमेंट्स हुई हैं। सो आपके रीजन में, बेसिकली पाकिस्तान रीजन में और साउथ एशियन रीजन में, आप पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स को ग्रो होता हुआ किस तरीके से देखते हैं फ्यूचर एंडेवर्स के लिए? पहले जो PMCO हुआ था हमारा 2019 में, उसके अंदर जो था लेजेंड टीम्स वो ज़्यादा थी और सबको ही पता है। और इस दफ़ा जो पिछले PMCO के मुकाबले जो इस दफ़ा कंपटीशन था वो थोड़ा कह सकते हैं आपके उससे थोड़ा टफ था, क्योंकि न्यू टीम्स भी थी और जो पिछली दफ़ा लास्ट टाइम टीम्स आई थी PMCO में उसमें भी थोड़ी सी 2-3 टीम्स जो थी वो ड्रॉप हो चुकी थी, उनकी जगह नई टीम्स आई थी। तो अच्छा कॉम्पिटिशन था और पाकिस्तान में जो ई स्पोर्ट्स है पबजी का वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है डे बाई डे। यहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, यहाँ पे काफ़ी पबजी मोबाइल के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है उसका। जी, और ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख भी रहा है अगर हम गेमिंग कम्युनिटी की बात करें। एंड ऑब्वियस वापस से मैं आपके ऊपर आना चाहूँगा क्योंकि आप एक IGL हैं, आपको अपनी टीम को ही नहीं देखना होता, आपको एक तरीके से बाकी टीम्स को भी देखना होता कि वो क्या अपनी स्ट्रैटेजीज कर रही हैं। ऐसे में टीम आती है 247, जिनका मैं बोलूँगा स्किल्स के मामले में वन ऑफ द हाईएस्ट स्किल्स थे उनके आपके रीजन के अंदर। सो PMPL के अंदर अगर कोई ऐसी टीम आपसे टकराती है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी उन टीम्स को ओवरटेक करने के लिए? हम कोशिश करेंगे कि उस टीम के लिए लुकआउट करें और अपनी स्ट्रेटजीज पर फोकस करेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज पर रिसर्च भी करेंगे और उस हिसाब से खेलेंगे। जी जी, काफ़ी सही। चलिए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, तीनों अगर आप एक एक वर्ड आंसर कर सके, कोई एक ऐसा प्लेयर पूरे वर्ल्ड पूरे ग्लोबल रीजन में, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो थाईलैंड से है, चाहे वो कहीं से भी इंडोनेशिया से, किसी भी एरिया से, अगर आपको लगता है एक ऐसा प्लेयर जो दैट यू कैन आइडलाइज, जो आपका एक आइडल बन सकता है, कौन सा प्लेयर होगा वो? काफी सही तरीके से आपने बताया जरूर, बट मैं एक चीज जानना चाहूंगा, पिछला वाला जैसे आपने बताया पिछले PMCO से इस PMCO के अंदर आते आते किसी ना किसी कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ा है, तो क्या आप लोगों को प्रेशर फील होता है? इजियो, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों को प्रेशर फील होता है कि इस बार कॉम्पिटिशन लेवल, क्योंकि अब आप PMPL में भी जा रहे हो, एक नया स्टेप आएगा, सो आर यू फीलिंग द प्रेशर, यू आर लाइक कि नहीं हम लोगों से हो जाएगा आराम से? नहीं, इस तरह ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि पिछला पहला PMCO खेला था उस टाइम काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि पहली बार इस इतने अच्छे स्टेज पे खेल रहे थे और उस टाइम काफ़ी सीखने के लिए मिला था, एक्सपीरियंस आया था। तो नेक्स्ट PMCO जो ये वाला था इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे हमें, इतना ज़्यादा इशू नहीं था इसका। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे PMPL में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। इंशाल्लाह मैं भी होप करूंगा कि आपका ये वाला PMPL बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए आराम से, बिकॉज एट दी एंड हम लोग R3D का नाम ऊपर और ऊपर देखना चाहेंगे। सो विद ऑल दोस थिंग्स, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स।